अमालिय तूसी में अब्दुल हमीद हमानी से मरवी है कि मूसा इब्ने ईसा के अय्याम इक्तदार में मैं घर से बाहर निकला। कूफे में अभी थोड़ा ही सफ़र किया होगा कि अबू बकर इब्ने अब्बास से मुलाकात हो गई। अबू बकर ने कहा, आओ मेरे साथ उसके पास चलें। मैं नहीं समझा कि किसके पास चलना है, लेकिन मैं उसके साथ चलने लगा। वो गधे पर सवार था और मैं पैदल था। अबू बकर ने कहा, मैं तुझे इसलिए साथ ला रहा हूँ कि जो कुछ इस सरकस से कहूँ तो तू उसका गवाह रहना। मैंने कहा, वो कौन है? उसने कहा, यही मूसा इब्ने ईसा फासिको फाजिर। जब हम मूसा के दरवाजे पर आए तो दरबान ने अबू बकर को रास्ता दे दिया, लेकिन मुझे रोक लिया। अबू बकर ने दरबान को झिड़का, क्या तू अंधा है? देख नहीं रहा मेरे साथ आ रहा है? फिर मुझे कहा, आ जाओ। अबू बकर गधे पर सवार ऐवान के सामने आकर उतरा। मूसा ऐवान में तख्त पर बैठा था कि मुसल्ला अफराद उसके गिर थे। मैं तो ऐवान को देखकर वहीं बाहर रुक गया। मूसा ने अबू बकर को खुश आमदीद कहा, अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। जब अबू बकर ने मुझे बाहर खड़े देखा तो कहा, आ जाओ, तुम भी हमारे करीब आ जाओ। मूसा ने कहा, क्या इस आदमी के मुतालिक तुमने बात की थी? अबू बकर ने कहा, नहीं, इसे तो मैं बतौर गवाह के लाया हूँ। मूसा ने कहा, किस बात की गवाही? अबू बकर ने कहा, जो कुछ तुझे कहने आया हूँ। मूसा ने कहा, क्या बात है? अबू बकर ने कहा, जो कुछ तू कब्र हुसैन इब्न अली व फातिमा बिनते मोहम्मद से कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैंने जो कुछ देखा है तुझे बताने आया हूँ। मूसा ने कहा, क्या बात है? अबू बकर ने कहा, अरसा हुआ है, मैंने एक रात आलम ख्वाब में देखा कि मैं नैनवा में जा रहा हूँ। जब मैं कूफे के पुल पर पहुंचा तो मेरे सामने 10 खंजीर यानी सुअर आ गए। मुझे उनसे बनी असद के एक शख्स ने बचा लिया। वहां से आगे बढ़कर जब वादी में आया तो मैं रास्ता भूल गया। वहां मैंने एक बुढ़िया देखी, उससे रास्ता पूछा। उसने कहा, बस सीधा उसी तरह चला जा, वादी के आखिर में तुझे रास्ता नजर आ जाएगा। जब मैं नैनवा पहुंचा, वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उससे मैंने पूछा, तेरा घर कहाँ है? उसने कहा, इस बस्ती में। मैंने पूछा, तेरी उम्र कितनी होगी? उसने कहा, ये तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता इतना बता सकता हूँ कि जब जुर्रियत रसूल इस मैदान में शहीद की जा रही थी, मैं उस वक्त बाहोश था। मैंने कहा, क्या वाकयन? उसने कहा, कसम बाखुदा सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, फिर तूने उस वक्त कोई इमदाद क्यों नहीं की? उसने कहा, जिस तरह आज तुम अपनी आँखों से जुल्म देख रहे हो और तुम्हारी जबानें गुंग हैं, उसी तरह हमारी बदनसीबी ने हमें भी कुछ ना करने दिया। मैंने कहा, हम कैसे खामोश हैं? उसने कहा, किसी जिंदा से तो कोई खतरा होता है, भला कभी किसी मर जाने वाले से भी कोई खतरा होता है? मैंने कहा, नहीं तो। उसने कहा, फिर मैं तो देख रहा हूँ कि हुक्मरानों को जितना हुसैन की जिंदगी में उनसे डर था, उतना ही
आज उनकी कब्र से भी डर है। मुसलमान फर्जंदे रसूल की कब्र का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करते। ये देखो, पूरी ज़मीने करबला में हल चल रहे हैं। कभी फरात का रुख मोड़ा जाता है, लेकिन कुदरत खुदा से ये कब्र है कि मिटने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा, कब्र कहाँ है? उसने कहा, आ जाओ मेरे साथ। रात का वक्त था, मैं उसके साथ चला। जब मज़ारे हुसैन के करीब आए तो सामने दो आदमी खड़े थे। उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, मैं दूर से ज़ियारत के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, आज शबे जुमा है और अंबिया मज़ारे गरीब पर आ रहे हैं, खातिमुल अंबिया को पुरसा दे रहे हैं। इस वक्त जनाब इब्राहिम मसरूफ़ ज़ियारत हैं। ये सुनकर मैं परेशान हुआ और बेदार हो गया। काफ़ी वक्त गुजर गया, हत्ता कि मुझे ख्वाब तकरीबन भूल गया था। चंद दिनों की बात है, यहीं गाजरिया में मेरा एक शख्स मकरूज था। मुझे वो कर्ज वसूल करने की खातिर आना पड़ा। जब मैं कूफे के पुल पर पहुंचा, तो 10 चोरों ने मेरी राह रोक ली और कहने लगे, जो कुछ तेरे पास है यहीं रख दे और चला जा। मैंने कहा, मैं अबू बकर इब्ने अब्बास हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना कर्ज वसूल करने जा रहा हूँ। उन्हीं में से एक शख्स ने कहा, इसे कुछ ना कहो, जाने दो। ये देखकर मुझे अपना पुराना ख्वाब याद आ गया। फिर बिल्कुल तमाम वाकयात वैसे ही पेश आए जैसे ख्वाब में आए थे। बिलाखिर वही बूढ़ा मिला जो ख्वाब में मिला था। उसने मज़ारे हुसैन की निशानदेही की। उसी ने बताया है कि तुम रोज़े फ़र्ज़ंदे रसूल को मुनहदिम और मादूम करना चाहते हो। ये अच्छा नहीं है। जहाँ ख़ातिमुल अंबिया और दीगर अंबिया आते हों, वो जगह काबिले एहतराम होती है। मूसा ने कहा, अरे अहमक, ये तू कब से ख्वाब का बादशाह बन गया है? खबरदार, आज के बाद किसी को ये ख्वाब मत सुनाना। अगर मैंने सुन लिया तो कत्ल करवा दूंगा। साथ ही मुझे भी मूसा ने कहा, गवाह साहब, तुम भी अपनी बोलती को लगाम देकर रखना। अबू बकर ने कहा, अल्लाह हाफिज है। मूसा ने कहा, अल्लाह भी हाफिज होगा, लेकिन जबान बंद रखना। मूसा ने अबू बकर को गाली दी। अबू बकर ने जवाब में कहा, ना बक, अल्लाह तेरी जबान कता करे। मूसा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दोनों को गिरफ्तार कर लो और जरा सबक पढ़ा दो। फिर क्या था, कसाबों की तरह सिपाहियों ने हमें मारना शुरू कर दिया। जब थक गए तो मूसा के हुक्म से हमें जिंदान में डाल आए। जिंदान में हम कुछ ही देर बैठे थे कि मूसा के आदमी हमें जिंदान से ले गए, मूसा के सामने खड़ा किया। मूसा ने कहा, अबू बकर, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर अगर ऐसी बात सुनी तो ना छोड़ सकूँगा। इससे ज़्यादा इम्तिहान मेरा ना लेना। फिर मुझे कहा, खबरदार, ये बात बाहर ना निकले, और हमें गालियाँ देकर बाहर निकाल दिया। रास्ते में अबू बकर ने कहा, घबराओ मत, अल्लाह अज्र देगा। हर एक को ना बताना, जिसे इसका अहल देखना तो उसे ज़रूर बताना। मुंतखब में यहया इब्ने मुगीरा से मरवी है कि मैं जरीर इब्ने अब्दुल हमीद के पास था कि जरीर के पास इराक से एक शख्स आया। जरीर ने उससे इराक के हालात पूछे। कूफी ने बताया
कि कब्र हुसैन पर हल चलाए जा रहे हैं और कब्र हुसैन के करीब जो बेरी का एक दरख्त था उसे काट दिया गया है। जरीर ने दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर कहा। मैंने कहा, खैरियत तो है? जरीर ने कहा, बड़ी मुद्दत के बाद एक हदीस नबवी के मायनी समझ में आए हैं। मैंने पूछा, वो कौन सी हदीस है? जरीर ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तीन मर्तबा फरमाया है, अल्लाह बेरी काटने वाले पर लानत करे, अल्लाह बेरी काटने वाले पर लानत करे। हमें समझ में नहीं आता था कि ये कौन सी बेरी है। आज पता चला कि रसूल अल्लाह का मकसद ये था, बेरी से मुराद मज़ारे हुसैन था। मुंतखब में अब्दुल्ला इब्ने राविया से मरवी है कि मैं 47 हिजरी में हज को आया, हज से फरागत के बाद मदीने आया, रोज़े रसूल की ज़ियारत की, फिर इराक आया, रात के वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, दूसरे दिन करबला आया, रोज़े नवासे रसूल पर हल चलाए जा रहे थे। मैंने अपनी आँखों से देखा के बैलों को किसान मार मार कर अधमुआ कर देते थे, लेकिन कोई भी बैल अपने कदम फर्जंदे जहरा के रोजे पर नहीं रखता था। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। इस तरह की मजीद तहकीकी, इल्मी और तारीखी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहदार।